नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस को। उस वक्त आपके साथ मैं हूं श्याम ओवी सिंह और रुक करेंगे हम खबरों का। डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में रविवार को जैप वन का 141वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। वही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज इस राज्य की 3.25 करोड़ की जनता अमन चैन और शांति से सो पाती है। इस राज्य की जनता ने कई बार उतार चढ़ाव देखे, पुलिस और सहयोगी को कंधा दिया है, कितने लोग शहीद भी हुए हैं, लेकिन जवानों का मनोबल नहीं टूटा और मुझे गर्व है राज्य के पुलिस और जवानों पर, क्योंकि लगातार पुलिस और जवान बहुत ही निष्ठापूर्ण तरीके से राज्य के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं, ये दिन है या रात, धूप है या बरसात। प्लाटून इंडियन रिजर्व बटालियन 5 प्लाटून कमांडर है अवर निरीक्षक तपन कुमार दो। 7वें नंबर पर रांची जिला बल नेतृत्व कर रहे हैं सार्जेंट जगुआर। और ये जो मधुर बैंड की ध्वनि कानों पर पड़ रही है, किसकी ध्वनि पर अभी परेड संपन्न होगा? मैं उठाकर शान से नियति तुझे ललकारता, मिथ्या तुम्हें मान के रोक सको तो रोक लो मेरी तूफानी चाल को। वज्रवत तने सीने जमी ईड़ियों और दहकती भाल को, मैं निर्माता हूँ स्वयं का, मेरी वज्र से भुज दंड है, लो चल पड़ा मैं निर्मिति को, क्योंकि ये ज्वलित। आज देखकर मुझे ये लग रहा है कि जैसे गोवर्धन पर्वत ने इंद्रदेव के कहर से लोगों की रक्षा की थी, वैसे आपका यह मनोबल और गर्म खून उसी गोवर्धन पर्वत की तरह है जो इस राज्य के लोगों की रक्षा हर कहर से, हर मुसीबत से करेगा। आज इस अलंकरण समारोह में हम झारखंड पुलिस के वीरों और उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान कर रहे हैं। अंग्रेजी के कवि और कथाकार रुडयार्ड किपलिंग ने आज से 100 साल पहले लिखा था, In times of war and not before, God and soldiers we adore. The war over and all things righted, God is forgotten and the soldier slighted. अर्थात ईश्वर और सिपाही संघर्ष के समय ही याद आते हैं, संघर्ष समाप्त और परिस्थितियां अनुकूल होते ही ईश्वर और सिपाही दोनों भुला दिए जाते हैं। आज इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता अमन चैन और शांति से सो पाती है। इस राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाया, कई पुलिसों को हम लोगों ने, अपने सहयोगियों को आप लोगों ने कंधा दिया, कई लोग वीरगति प्राप्त हुए, फिर भी हमारे जवानों का मनोबल नहीं टूटा। और मुझे गर्व है अपने राज्य के पुलिसों पर, राज्य के जवानों पर, कि झारखंड जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में कई चुनौतियों के बीच, नए नए चुनौतियों के बीच आप लोग भी अपना लगातार उन चुनौतियों को अपनाते हुए कई ऐसी अनसुलझी समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं।